संगठनों के माध्यम से समाज की सेवा में लगी हुई हमारी महिला समन्वय की बहनें, सभागार में उपस्थित समस्त मातृशक्ति पत्रकार बंधु बहनों का मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हूँ। सम्मानित करने की परंपरा है। आज मंच पर हम जिस बहन को देख रहे हैं, इनका जन्म तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी सेवा का जो कार्य ईश्वर ने इनको प्रदत्त किया है, जहाँ पर बहुत प्रवास के समय बहुत लंबा समय व्यतीत किया, चित्रकूट। आप चित्रकूट में दर्शन के लिए आई थी और पद्म विभूषण नाना जी देशमुख के सानिध्य में जैसे ही आई तो उनके अंदर जो सेवा का भाव जगा वह लगातार बढ़ता ही गया। पूरा आपका नाम नंदिता है, जिससे नंदिनी कामधेनु, जिससे कुछ सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु, ऐसे नंदिनी नंदिता जी चित्रकूट के 500 गांवों को उन्होंने लेकर वहां रहने वाले लोगों की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको आपने अपने कर्म सेवा के द्वारा उनको पूरा किया, चाहे वह उसकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वावलंबन, आर्थिक, सभी पक्षों को समृद्ध करने के लिए आपने अपने जीवन को अर्पित किया है। मैं बहन उमा जी, जो ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन की वरिष्ठ आचार्य हैं, माल्यार्पण से स्वागत करें नंदिता जी का। रानी लक्ष्मी अमर नाम रानी लक्ष्मी अमर नाम बहन निंजा जी, बहन पूजा जी, बैज लगाकर नंदिता जी का सत्कार करें। उद्यमिता विद्यापीठ DRI चित्रकूट मध्य प्रदेश का सेवा रत्न सम्मान से अलंकरण करने की कृपा करें। सेवा भावना के प्रतिरूप हम सभी के हृदयों में सेवा भावना का संचार करने वाली, समाज की सेवा के लिए कृत संकल्पित, दीन दुखियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील, हम सबके लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा स्रोत, साधिका सम जीवन है जिनका, ऐसी मानवता की अनुपम विभूति माननीय डॉक्टर नंदिता पाठक जी से अत्यंत सम्मानपूर्वक निवेदन करती हूँ कि गौरवपूर्ण इन पावन क्षणों में आप अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर श्रीमती नंदिता पाठक जी। वीरांगना रानी लक्ष्मी भाई अमृतोत्सव के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान आज के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रीमती शारदा शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान सम्माननीय पूजनीय रूपाली दासा जी, मातुल्य रूपाली दासा जी, एवं इस मंच पर हम सबके प्रेरणा स्रोत
भारतीय शिक्षण मंडल के रीढ़ के हड्डी जिनको तुलना दी गई है, ऐसे मान्यवर अवस्थी जी भाई साहब एवं इस कार्यक्रम के संयोजिका महोदया जी, गीता मिश्रा दीदी जी एवं भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता बंधु भगनिया, इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। आप सब लोग हर वर्ष भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर सेवा रत्न का सभी लोगों को अलंकृत करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। आज आप सबके समक्ष मंचासीन सम्माननीय अतिथियों के समक्ष हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का यहाँ पर सेवा रत्न के नाम से अलंकृत किया गया है। इसके लिए हम भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकोष्ठ यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कोई भी काम हम लोग करना चाहते हैं तो अकेला कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। कोई एक अकेला चाह ले तो कुछ दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकता, सामाजिक क्षेत्र में आमूल चूल कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। किंतु यदि सही संकल्प मिल जाए, सही उद्देश्य मिल जाए, सही लक्ष्य मिल जाए, सही परिवार मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कुछ परिवर्तन समाज में लाकर दिखा सकते हैं। उसी का हम उदाहरण है यहाँ पर जो हम आपके समक्ष खड़े हैं। हम राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी के मार्गदर्शन में जिनका जीवन संकल्प था, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए है, अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। I do not stand for myself, I for my kith and kin. My kith and kin are those who are neglected and downtrodden. This is the life mission statement of Honorable Nanaji Deshmukh ji. ऐसे जिनका जीवन लक्ष्य था, हम उनके संपर्क में आए। सामान्य से पत्थर जो हम लोग होते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में जब आते हैं, तराशा जाता है, फिर वो मूर्ति बनती है, उसी का उदाहरण है। इसीलिए ये जितना भी आज आपने हमको जो सम्मान दिया है, ये हम राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी को समर्पित करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के आज समाज में आवश्यकता है। आज कोई भी महिला किसी पुरुष के पास कुछ सीखने जाती है, या कुछ पीएचडी करने जाती है, या नई चीज सीखने समझने को जाती है, तो डर लगता है। इसीलिए आज अपने देश को जरूरत है, अपने भारत देश को जरूरत है, अपने राष्ट्र को जरूरत है मंच पर विराजमान जैसे अवस्थी जी भाई साहब जैसा श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी जैसे लोगों की जरूरत है। तभी सामान्य सी जो अपनी महिलाएं होती है वो अच्छी कार्यकर्ता बन सकती है। आज जरूर आप सब लोगों ने हमें यहाँ पर हमारे नाम से सम्मानित किया है, लेकिन यह सब एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, सामूहिक प्रयत्न है। दीनदयाल शोध संस्थान जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की सभी की मेहनत से आज हमारा नाम यहाँ पर हुआ है। ऐसे घरों में भी होता है, जो अपन घर में काम करते हैं, बड़ी बहू, छोटी बहू, मंझली बहू, सास ससुर सब लोग होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है सिर्फ बड़ी बहू का नाम हो जाता है, या छोटी बहू का नाम होता है, या मंझली बहू का नाम होता है, या तीन बेटियां चार बेटियां जिस घर में होती है, या तो बड़ी बेटी का नाम होता है, छोटी बेटी का नाम होता है, या मंझली बेटी का नाम होता है। ऐसे ही लड़कों में भी, भैया लोगों में भी होता है, लेकिन इसके लिए कोई विवाद, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अपन समाज में देख सकते हैं, यहाँ उपस्थित किसी भी घर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकोष्ठ से जुड़े हुए, यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है ये भारतीय साथे और प्रोत वाली शिक्षा दी जा रही है। जब से हम कार्यक्रम में आए हैं आपको लग रहा होगा कि इनको क्यों इतना ये हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। आज जिस चीज की आवश्यकता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आते ही साथ जो भारतीय परंपराओं के अंतर्गत का स्वागत, सुंदर सुंदर बालिकाएं, अच्छी सजी धजी हुई, उनको भी समझ में आना चाहिए। आज की बच्ची को कोई भी अतिथि अपने घर, अपने दरवाजे, अपने इस पे आते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार किस तरह करना चाहिए। आजकल माता पिता के पास समय नहीं है, इतने ज्यादा फास्ट लाइफ
हो गई अपन सब लोगों की, दौड़ भाग की जीवन हो गया। माता पिता अपने बच्चों को बताने के लिए समय नहीं है, उसका उदाहरण हम भी है, हमारी भी तो बेटियां हैं। हम चाहते हैं वो दोनों बेटियां भी अच्छी बने, लेकिन सामाजिक कार्य में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं, उसमें आनंद आने लगता है, फिर अपने बच्चों का अपन देखभाल नहीं कर पाते। लेकिन भगवान उनके लिए एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। जैसे आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए जो अच्छा रास्ता दिखाया, जो ये भारतीय शिक्षण मंडल आप लोगों को मिल गया, ऐसे ही हमको भी दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संचालित अच्छे अच्छे भारतीयता से ओतप्रोत वाले विद्यालय मिल रहे हैं। इसी के कारण अपने बच्चे गलत दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन आज आप भारत देश में देख सकते हैं क्या हो रहा है। कोई का घर टूटता है लेकिन दुख नहीं होता। आज परसों में एक लड़की से मिली, उसकी एक बच्ची है, तो वो कहती है मेरा पति मुझे छोड़ दिया। दुख की बात है। हम जानते हैं ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष अच्छे होते हैं, सभी महिलाएं अच्छी होती, वो बात नहीं है। लेकिन जो सहनशीलता है, जो संवेदनशीलता है, जो कष्ट सहने की जो शक्ति है, जिसको अपन पेशेंस कहते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर भगवान ने दिया है। पुरुषों के अंदर इतना कष्ट सहने की क्षमता नहीं है। थोड़ी सी बुखार क्या आ जाती है, वो लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन महिलाओं को टाइफाइड आ जाता है, मलेरिया आ जाता है, बड़ी बड़ी बुखारें आ जाती है। यदि कोई बच्ची को भी जन्म देती है, वो तीसरे चौथे दिन से उठ के काम करने लगती है, क्योंकि उसको अपने घर से लगाव होता है, प्रेम होता है, मोहब्बत होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को घर से कोई लगाव नहीं होता, मोहब्बत नहीं होता, लेकिन वे कर नहीं सकते। भगवान ने अपने को शक्ति दिया है, अपने को सामर्थ्यवान बनाया है, अपने को सक्षम बनाया है। तो हम सब लोग मिलकर अपने परिवार, अपना व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन का अर्थ वही है अपने को जो भारतीयता में बताया गया, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता। आज देख रहे होंगे कानपुर में भी ऐसे कई बच्चियां मिलती है जिन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, रीति रिवाज जो छोड़ दिया, उस रास्ते से जो भटक गई, वो फंस गई, गलत कामों में चली गई। इसीलिए अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपने मेले, अपने उत्सव, अपने त्योहार, अपने व्रत, ये सब अपने को करना पड़ेगा। तो अपने घर में जन्म लिए हुए छोटी सी बालिका ये सब सीखेगी, क्योंकि अपनी घर की बच्ची अपन पहले से कहते हैं, जैसे ही बच्ची पैदा हो गई, भाई ये तो दूसरों की अमानत है, तो दूसरों की अमानत को अपन संभाल कर रखते हैं। अमानत कभी अपन खर्च नहीं करते, क्योंकि पता है खर्च करेंगे तो ब्याज लगेगा, तो उसको संभाल कर रखते हैं, चोरी ना हो पाए, डकैती ना डल पाए, उसके ऊपर कोई आंचन ना आ पाए, अपन दूसरों की अमानत को बहुत संभाल कर रखते हैं, यही भारतीय परंपरा है। तो अपने घर में पैदा हुई बच्ची जरूर वो लक्ष्मी हो सकती है, दुर्गा हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई हो सकती है, लेकिन वो अपनी घर की अमानत है दूसरों की, उसको संभालना, संवारना, सजाना, सुरक्षित करना, संस्कारित करना, सुसंस्कार करना, ये सब अपना दायित्व है। इसीलिए भारतीय शिक्षण मंडल आज यदि ये भारत रत्न, ये सेवा रत्न का जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ये चाहे तो कोई अन्य दिवस भी दिया जा सकता है, लेकिन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर ये किया गया है। सिर्फ एक ही महिला ऐसा अपने को दिखती है समाज में, यदि अनुकरण करना है तो रानी लक्ष्मीबाई जी का। कितनी छोटी उम्र में कभी उन्होंने ऐसा खेल नहीं खेला जो छुपन में बच्चे खेलते हैं, कभी उन्होंने गलत काम नहीं किया जिससे उनके माता पिता बा दादा नाना का सभी का कान कटे, नाक कटे, ऐसा कोई काम नहीं किया। और शादी होने के बाद भी कितने बड़े उम्र के उनके पतिदेव थे, तब भी उन्होंने घर को संभाला। और खासकर यदि आज अपन देखना चाहते हैं जिस समाज में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखता है, यदि एक ही महिला यदि ठीक रहे तो कभी भी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का पैसा आता है वो सबसे ज्यादा घर में आता है। अपने को पता है हमारी पति की कमाई क्या है, हमारी भाई का कमाई क्या है, हमारी बंधुओं की कमाई क्या है। यदि अतिरिक्त कोई चीज घर में आता है तो महिला को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, ये सामान आया कहाँ से, तुम्हारी कमाई तो 10,000 है, फ्रिज 15,000 का, 20,000 का एक साथ में कैसा आ गया। इस तरह के प्रश्नवाचक
अपन बन जाएंगे तो कभी भी समाज में भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। लेकिन आपको मैं छोटा सा उदाहरण के साथ बताना चाहती हूँ। एक गरीब परिवार में एक छोटा सा लड़का होता है, माँ होती है, पिता नहीं होता। बड़ी गरीबी में उनका जीवन यापन चल रहा होता है। बच्चे को स्कूल जाना है, उसके शर्ट का बटन टूट गया होता है, तो बटन लगाने के लिए माँ के पास सुई नहीं होता। तो माँ कहती है, बेटा सुई नहीं है, धागा नहीं है, बटन लग नहीं पाएगा। तुरंत बच्चा दौड़ कर जाता है, एक जगह से एक बटन और सुई लेकर आता है, धागा लेकर आता है। माँ बिना पूछे उसको लगा देती है, शर्ट सिल जाता है, बटन लग जाता है, वो विद्यालय को जाता है। धीमे धीमे घर में जिन चीज़ों की कमी होती जाती है वो बच्चा पूरा करता जाता है। नन्हा सा बच्चा घर की पूरा जितने भी जो भी खर्चे थे वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। एक दिन वो डाकू बन जाता है, जेल चला जाता है। तब वो अपनी माँ को पूछता है, जब माँ मिलने जाती है, अंतिम इच्छा क्या है उससे जब पूछते हैं तो बोलता है, मेरे को अपनी माँ से मिलना है। जब माँ से मिलते हैं तब माँ भी रोती है, बच्चा भी रोता है। माँ भी समझ गई होती है, बच्चा भी समझ गया होता है। बच्चा कहता है, माँ जब हमने छोटी सी चीज चुरा कर जब लाए थे उसी दिन आप यदि हमें मना करते, भले गरीबी का जीवन व्यतीत करते, उपेक्षित जीवन व्यतीत करते, पीड़ित जीवन व्यतीत करते, लेकिन आज हमें फांसी का सजा ना होता। ये माँ का कर्तव्य है, सबसे बड़ा काम अपना है माँ का। लोग ऐसा कहा गया है वेदों में पुराणों में, कार्येषु दासी भोजेषु माता राज्येषु मंत्री शयनेषु रंभा। यदि ये चार लक्षण यदि किसी भी महिला के अंदर होगा, वो कभी असफल नहीं हो सकता, कभी उसका पति उसको नहीं छोड़ सकता, कभी उसके ससुराल वाले उसको मार नहीं सकते। जो आज जिंदा जलाने का जितना प्रकरण होता है, यदि वो काम करते समय प्रत्येक महिला समझे हमें तो दासी है, काम करते समय दासी, यदि घर परिवार को भोजन कराते समय माता के रूप में, और यदि पति कोई अच्छा काम कर रहे हैं, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ससुर जी अच्छा काम कर रहे हैं, यदि राजकाज का काम है, समझदार है, तो वो मंत्री के रूप में काम करे। और जिस समय जिस तरह की जरूरत है ऐसा महिला करती जाएगी। रंभा जैसा जब घर में कोई आए तो सुंदर लगे। कई घरों में गाँव में देखने को मिलता है, शाम को पता नहीं होता महिलाओं को क्या करना है, सुबह को क्या करना है पता नहीं होता, गंदे गंदे रहता तो घर में लड़ाइयाँ होंगी ही। तो हम चाहते हैं ये जो सम्मान है ये तो हमको यहाँ बुलाने के लिए, एक आप लोगों ने प्रतीक के रूप में हमें बुलाया। ये जो रत्न है, लोग कहते हैं पुत्र रत्न होते हैं, भारत रत्न होते हैं, लेकिन आज हमारे लिए ये जो गौरव आप सबने यहाँ पर दिया है, ये हम अपने को अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। क्योंकि मातृशक्ति के बीच में एक छोटी सी कार्यकर्ता का सम्मान, महिला का सम्मान बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग कहते हैं जहाँ महिलाएं बैठती है वहाँ सिर्फ लड़ाई होता है, झगड़ा होती है, विवाद का कारण बनते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये नक्शा देखने के बाद, ये दृश्य देखने के बाद, मैडम ने जिस तरह का गीता दीदी ने यहाँ पर व्यवस्था किया, उनकी सहयोगी कार्यकर्ता बंधु भगनियों ने जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, इनको मानना पड़ेगा। महिलाएं लड़ाई का कारण नहीं बनती है, संगठन में सबसे बड़ी माहिर होती है, ये इनको मानना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई जी का जब यहाँ पर गायन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ पर उतर कर चली आई है। और वो जो सीरियल हम लोग देखते थे, इतना दुख होता था लेकिन इतनी खुशी भी होती थी। इतनी छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा साहस कर सकता है, जो फिल्म के यहाँ पर आए थे उनको किस तरह का दूर भगाया। अपने को अभी अंग्रेजों को भगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेज रूपी दानव यहाँ पर जितना भी है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, बेकारी हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, विवाद हो, ये सबको एक एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने को भगाने की जरूरत है। इतना ही आज हम इस मंच से बताना चाहते हैं। हमारी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह की आज ये प्रसन्नता हमें इस मंच के द्वारा गीता दीदी एवं भारतीय शिक्षक मंडल द्वारा प्रदत्त किया गया है, मैं हृदय से आप सभी का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह सबको प्रेम देते रहिए, प्रेम बांटते रहिए। जहाँ अंधेरा है वहाँ पे दीपक जलाने का काम करिए। अपनी बच्चियों का जीवन हम सब मिलकर अच्छा बनाएंगे।
भारत राष्ट्र को अपन वैभवशाली जगह पर ले जाएंगे। यहाँ के उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ चिल्लाने से नहीं होता। लेखनी में जो लिखते हैं, पत्रकार बंधु जो छापते हैं, इन सबसे समाज पे एक अलग प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब फिर रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे हर घर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो अपनी समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। यही हम सब लोगों की कल्पना है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का, जिन्होंने भी यहाँ पर दीदी ने और बच्चियों ने गीत प्रस्तुत किया, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती डॉक्टर नंदिता पाठक जी। आपके अत्यंत ओजस्वी एवं मार्मिक उद्गारों ने हमारे हृदयों को झकझोर दिया।